नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार सैनी, मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जो बाइक के अंदर RR यूनिट लगी रहती है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो मल्टीमीटर की सहायता से। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो नया मैकेनिक है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनको लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं मैनुअल है, मैनुअल के अनुसार आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसीजर रहती है। रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट बोलते हैं इसको, RR यूनिट बोलते हैं। RR यूनिट का मतलब रहता है रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट, रेगुलेट करती है ये जो मैग्नेट से करंट और वोल्टेज आता है उसको रेगुलेट करती है। एक तरफ बैटरी को चार्ज करने के लिए देती है, दूसरी तरफ ऐसे अपना हॉर्न बजाने के लिए, हेडलाइट के लिए, ब्रेक लाइट के लिए, ये लाइटिंग को लिए देती है। तो दो सप्लाई करती है, एक तो हेडलाइट ब्रेक लाइट के लिए देती है, दूसरी रहती है आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो आप किस तरीके से उसको चेक करोगे इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, उसके द्वारा मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें तीन चीज़ें चेक करते हैं। पहली चीज़ रहती है AC वोल्टेज चेक करते हैं, दूसरा रहता है आपका AC DC चार्जिंग चेक करते हैं, और तीसरा रहता है बैटरी DC चार्जिंग करंट चेक करते हैं। तो दो वोल्टेज चेक करंट चेक करते हैं, एक तो AC वोल्टेज चेक करते हैं, DC चार्जिंग वोल्टेज चेक करते हैं, और तीसरा DC करंट चेक करते हैं। वो किस तरीके से चेक करेंगे मैं आज आपको पूरा बताता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जब भी AC चार्जिंग AC वोल्टेज चेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले हेडलाइट को खोल लेंगे, हेडलाइट को खोलने के बाद इसके अंदर जो बल्ब रहता है वहाँ पर दो वायर जाते हैं, एक काला वाला रहता है, एक पीला वाला वायर रहता है। उनमें दोनों टर्मिनल को लगाएंगे और ठीक है, और वो मल्टीमीटर पर रेंज रहती है ये, उसको फिट करेंगे 20 AC पर। ठीक है, AC 25 वोल्ट पर सेट करेंगे AC पर। इसके बाद आप गाड़ी को चालू करोगे, गाड़ी के चालू करने के बाद इसका RPM 5000 के लगभग होना चाहिए, तब उसकी रीडिंग 13.5 यानी 13.5 और 14 के बीच में आना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही है। बाय द वे, बैटरी इसका गाड़ी का फ्यूज जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा है, सॉरी फ्यूज नहीं, बल्ब जल्दी जल्दी ख़राब हो रहा, हो सकता है हाई वोल्टेज आ रहा है। तो पता चल जाएगा कि आपको 14 से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो आप इसका RR यूनिट चेंज कर दो, ये आप प्रॉब्लम पकड़ लो, बल्ब फ्यूज प्रॉब्लम। सेकेंड रहता है बैटरी यदि ख़राब हो रही है, तो बैटरी को डिस्चार्ज हो रही है नहीं, चार्ज नहीं कर पा रहा है। तो बैटरी को किस तरीके से चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले DC वोल्टेज के दोनों टर्मिनलों को निकालने के बाद उसको अंदर लगाएंगे और इसका और उसको सेट करेंगे, DC को 25 वोल्ट पर सेट करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसके बाद इसको इसकी जो रीडिंग आना चाहिए 14.2 के यानी 14.2 के लगभग आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसका करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका कितना 20 एम्पियर पर हम उसको सेट करेंगे। और जो सेल्फ वाली गाड़ी रहती है उसका 0.4 mm यानी 0.4 उसके अंदर करंट आना चाहिए, और जो सेल्फ वाली बाइक रहती है उसके अंदर 0.9 यानी 9 आना चाहिए एम्पियर। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। तो आपको ये दिख रहा है, ये बैटरी है, ये मल्टीमीटर है, ये RR यूनिट है। RR यूनिट के अंदर चार वायर रहते हैं, एक तो आता है मैग्नेट साइड से, मेन रहता है वायर, उस फिर वायर RR यूनिट में आता है, एक तरफ जाता है बैटरी को, रेड वायर जाता है जो दिख रहा है, और पीला वायर जाता है वो हेडलाइट के अंदर जाता है। तो आपको बैटरी का जो वोल्टेज चेक करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पर सेट करेंगे, ये 20 वोल्ट पर सेट कर लिया मल्टीमीटर को। ठीक है, अब इसको हम गाड़ी को चलाएंगे और 4000 RPM होना चाहिए गाड़ी का। ठीक है, और एक एक हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर, और दूसरा इस टर्मिनल इस पे लगाएंगे, तो इसका 1400 यानी 1400 नहीं, क्या नाम से 14.2 होना चाहिए 4000 RPM पर। दे तो इसमें दिखा रहा है 15.69 यानी ये सही है, 14.2 होना चाहिए, ज़्यादा रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसका यदि ज़्यादा होगा 16 से ऊपर आता है, 17 के लगभग आता है, तो ये बल्ब को फ्यूज करेगा, 14 से और 15 के बीच में होना चाहिए, तो 15.2 हो रहा है। ठीक है, यानी ये सही है। अब इसके अंदर हम करंट चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसको निकालेंगे हम। अब इसको हमको इसका करंट चेक करना है, जो सेल्फ वाला रहता है उसका 0.9 एम्पियर होना चाहिए, 0.9 एम्पियर होना चाहिए, और जो बिना सेल्फ रहती है उसका 0.4 होना चाहिए। तो एक टर्मिनल तो हम इसको ये वाला मल्टीमीटर का यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, इसमें सेट कर दिया, दूसरा वाला इसको लगाएंगे यहाँ पर, और इसका RPM हमको रखना है
5,000। तो मैं गाड़ी को चालू करता हूँ। ठीक है, अब इसका करंट हम चेक करेंगे। एक माइनस वाला यहाँ पे लगा दिया, प्लस वाला यहाँ लगा देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे और इसका आरपीएम 4,000 के लगभग लगेंगे। देखो तो ये 9 से ज़्यादा होना चाहिए, बंद के लगभग 9 आपको दिख रहा है, इतना होना चाहिए इसका करंट। तो ये सेल्फ वाली है इसलिए इसका 0.9 है, तो बिल्कुल ये सही है RL। तो आप किसी भी बाइक का इस तरीके से वोल्टेज और करंट चेक कर सकते हो। तो आज दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हम RL यूनिट को चेक कर सकते हैं। यदि इसका वोल्टेज कम आ रहा है, समझ लीजिए इसका, यदि सॉरी करंट कम आ रहा है 0.9 से कम आ रहा है, तो बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं होगी। यदि ज़्यादा आ रहा है तो बैटरी ज़्यादा गर्म होगी। तो इसका बराबर 9 और 11 के बीच, 0.9 और 11, 10 के बीच में होना चाहिए तो अच्छा है। इससे ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉब्लम है, इससे कम आ रहा है तो ये RL यूनिट खराब है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।